बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज हम जो सेकंड ईयर का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रो। तो इलेक्ट्रो से मुराद हम लेते हैं चार्जेस, और जो स्टैटिक्स है इसके मीनिंग्स होते हैं रेस्ट के। यहां से हमारे पास फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा, तो ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करते हैं रेस्ट की हालत में अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आ जाएगा द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस डेफिनेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास एक टर्म्स चार्जेस और सेकंड है इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ये हमारे पास दो नई टर्म्स जो है यहां पे है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास ऐसी फोर्सेस होती हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को होल्ड करती हैं ताकि एटम या मॉलिक्यूल बन सके। तो उन फोर्सेस को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस। द फोर्सेस विच होल्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव charges to form atoms or molecules। तो उन forces को हम क्या नाम देते हैं, electric forces। अब यहाँ पे अगर हम अपनी body की बात करें तो हमारा जो जिस्म है ये भी atoms और molecules से मिलकर बना हुआ है, लिहाजा हमारी अपनी जो existence है that is due to electric forces। तो एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगी, अगर ऑन एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक। अच्छा नेक्स्ट है सेकेंड टर्म चार्जेस के हैं। अब चार्जेस क्या हैं? जो चार्जेस हैं ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं मैटर की, जिसकी वजह से चार्ज क्या करते हैं किसी दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक या कूलम फोर्स एग्जर्ट करते हैं। तो यहां से हम डेफिनेशन करेंगे चार्जेस की, तो क्या है द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of matter by which it exerts electric force। तो उसको हम नाम देते हैं चार्ज का। उसके बाद जो चार्जेस हैं इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक चार्ज हम लेते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरा चार्ज है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अब ये अज्यूम किया गया है जो प्रोटॉन है इसके ऊपर जो चार्ज होता है ये पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है ये नेगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट है अगर हम क्या करते हैं, एक जैसे चार्जेस तो एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं, यानी ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज और एक हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है ये आर है। अगर हम पार्ट जो पॉजिटिव चार्जेस एक जैसे चार्जेस को एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इसको इसी मत में रिपेल करेगा
और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसको इसी मंथ में रिपेल करेगा। यानी सेम चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल। इसी तरह अगर हमारे पास सेम चार्जेस नेगेटिव हो, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम क्या करते हैं, अपोजिट चार्जेस लेते हैं, ये हमारे पास नेगेटिव है और दूसरा हमारे पास जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, जिनके दरमियान सेपरेशन कितनी है r, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये चार्ज इस सिमत में मूव करेगा और ये चार्ज क्या करेगा, इस सिमत में मूव करेगा। अब नेक्स्ट है कि इनकी जो अट्रैक्शन या रिपल्शन कितनी होगी, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, वो हम जो कूलम्ब लॉ है उसके में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।